बनाओगे हमको नहीं मालूम, मगर तुम झारखंड की जनता को तो बेवकूफ बना रहे हो, उनका मजाक कर रहे हो और वो मौत की आगोश में चले जा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखेंगे कि बोकारो में, चक्रधारपुर में क्या क्या तकारीर नहीं की गई थी, क्या क्या भाषण नहीं दिया गया था। अगर अब उस पर बोलना शुरू करेंगे तो फिर एक नया तनाजा यहां पर पैदा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि जिस प्रदेश से मैं आता हूं तेलंगाना है, वहां पर 50 लाख से कम मुसलमान है, झारखंड में 7 लाख के करीब मुसलमान है, और हम जिस प्रदेश से आते हैं वहां पर अल्पसंख्यक समाज का एक मंत्रालय है। और इस साल का बजट क्या है आपको मालूम? 2,200 करोड़ रुपये। और झारखंड में अल्पसंख्यक समाज का वजारत अखिलेती बाबू का बजट सिर्फ 500 करोड़ रुपये है, सिर्फ 500 करोड़ रुपये। और हम जब यहां पर आ रहे हैं तो हमको गाली दे रहे हैं, अरे भैया गाली दो हमको, तुम्हारी गालियों से मैं रुकने वाला नहीं हूं। यहां तेलंगाना में हमारे 7 विधायक हैं, कोई मंत्री नहीं है, सुनिए कोई मंत्री नहीं है, मगर हम 50 लाख से कम है, 2,200 करोड़ रुपये सालाना मिलता है। आप 7 लाख है, 4 एमएलए है, 2 मंत्री है, मगर आपका बजट 500 करोड़ रुपये। यही बात जब हम करते हैं तो इन तमाम को पेट में दर्द होता है, और इसीलिए हमको परेशान किया जाता है। कसरुद्दीन अवैसी भड़काऊ भाषण देता है, अरे अगर गरीबों के जुर्म का बयान करना भड़काऊ भाषण है तो सुन लो हेमंत सोरेन, मैं भड़काऊ भाषण देता रहूंगा। अगर संसारी की तकलीफ को बयान करना भड़काऊ भाषण है तो हम तमाम संसार अंसारी है। अगर हमारी बहन हमारी माँ बल्की भी है, उनके बेटे और औलाद के लिए इंसाफ की बात करना अगर भड़काऊ भाषण है तो मुझे फकर है कि अल्लाह ने मुझे भड़काऊ भाषण बोलने की सलाहियत दी। मगर आप बताओ आपने क्या किया? यहां पर चुनाव जब आता है तो ओवैसी का डर दिखाते हैं कि अगर ओवैसी को वोट देंगे, मजलिस को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी, और आप मासूम लोग सिर्फ वोट डालते हराने के लिए। अरे कभी अपने दिलों पर हाथ रखकर सोचो, कभी जब तुम अपने घर में जाकर बैठ रहो तो अपने दिल से पूछो कि मैं क्या सिर्फ इनको वोट डालने के लिए पैदा हुआ हूं? क्या तुम सिर्फ वोट डालने के लिए पैदा हुए? तुम वोट नहीं ले सकते, आप 50 साल से वोट दे रहे हैं, आपके दादा ने वोट दिया, आपके दादा ने अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया, अपने बुढ़ापे को बर्बाद कर दिया, आपके बाप ने अपने बचपन को खोया, शिशु शिक्षक का तुम्हारा हाथ मर गया, तुमने उनको वोट दिया, अब तुम हो। और तुमसे भी यही कहा जा रहा है कि जिस तरह तुम्हारे बाप और दादा ने वोट दिया तुम उसी तरह चलो। नहीं मेरे नौजवान साथियों, तुम्हारे बाप दादा के पास विकल्प नहीं था, वो हालत मजबूरी में लोगों का साथ देते थे। आज तुम्हारे दरमियान में दीवानों की पार्टी खड़ी हुई है जो किसी के बाप को सुनने वाली नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना वोट 5 सितंबर के दिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, केंद्र की सरकार बीजेपी की है, आपको जानकर तकलीफ होगी कि 2020 और 21 से झारखंड की सरकार को अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए एक स्कीम है एमएसडीपी, पीएमजेडी के जो
बदल गई, सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। झारखंड की सरकार को 155 करोड़ रुपए दिए गए। कितने? 155 करोड़ रुपए दिए गए। ये हेमंत सोरेन ने सिर्फ 5 करोड़ में खर्चा किया। 155 करोड़ में स्कूल की बिल्डिंग बननी चाहिए थी, रोड बनना चाहिए था। जहां समाज रहता है मुसलमान, जहां पर ईसाई रहे, मगर इन्होंने सिर्फ 5 करोड़ रुपए खर्चा किया। बोर्डिंग बनना चाहिए था, कॉलेज की बिल्डिंग बनना चाहिए था। अब बताए इसमें ओबीसी कहां से आ गया? 155 करोड़ में सिर्फ 5 करोड़ रुपए खर्चा करके, और यहां पर आकर ये हेमंत सोरेन के मंत्री कहते हैं कि मौलाना मुबीन रजवी भेड़िया है। मेरे अजीज दोस्तों, जिसने मौलाना मुबीन रजवी को सुधीर कुमार सोनी ने भेज दिया था, सुधीर कुमार सोनी साहब हमारे चेहरे पर जारी है, हमारा नाम मुबीन रजवी है, हमारे सर पर टोपी है, हमारा दीन इस्लाम है, हम भेड़िए हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।